विद्या ऐसी थी। अब उस विद्या को सीखने के बाद वो कहने लगा कि प्रभु अब आप मैं आपकी चरण छोड़कर नहीं जाऊं। तो उन्होंने कहा नहीं, तेरा एक कर्तव्य बनता है, तेरी माँ जेल में पड़ी हुई और वह रानी जिसने तुझे अन्याय से शिक्षा दी है, तो एक बार जाके उसको उसका प्रायश्चित करवा के आ, मैं तुझे भेजता हूँ, यहीं पर माँ को आया यही रह। वो वहां गया, राज्य में गया और बैठकर जब देखा कि बहुत बड़ा संत है तो उसकी माता ने पहचाना नहीं और वो राजा के पास आकर के कि हे महान संत, आप कोई भी महान आदमी हो, हमारे को संतान पुत्र नहीं हो रहा है, अब आशीर्वाद दे कि तुम्हारे को पुत्र हो। तब उन्होंने कहा हे माते, आप जो कोई भी है एक बात आपको कहता हूं, मुझे दिख रहा है कि आपको एक पुत्र था, उसका क्या हुआ? तो राजा ने कहा वो पुत्र दुष्ट था इसलिए हम उसे मार दिया। अगर ये बात जो सच्चाई है, ये माता अगर कहती है कि वो दुष्ट था और वो मर गया है, वो जो सत्य बात बताएगी तो उसको संतान में जरूर दूंगा। पुत्र की मौत में उसने कहा प्रभु आज मुझे क्षमा कर दो, वो दुष्ट नहीं था, मैंने इसके ऊपर निंदा डाली थी और उसके हाथ पैर कटवा दिए थे। राजा को बहुत क्रोध आया, कहा मेरे इतने अच्छे पुत्र को तुमने ऐसा मरवा दिया, और उन्होंने राजा के सामने कबूल कर लिया। तो राजा को उन्होंने कहा आशीर्वाद देता हूँ माँ, वो कलंक मुझ पर से हट गया। जब मुझ पर से हट गया कहा तो राजा को पता चला कि वो यही मेरा पुत्र है। उसने पूछा कि तुम्हें ये हाथ पैर कहाँ से आए, वो तो काट दिए गए। तो कहते हैं कि मैं नाथ सांप्रदाय का, नाथ सांप्रदाय के गुरु से जो हम जंगल में बैठे हुए हैं उनके पास से दीक्षा लिया, उन्होंने मुझे बचा लिया है और मैं वहां से यहाँ आया। तो माता वहां से गिर गई और राजा ने कहा इस माता को आप जंगल में लेकर डाल दो। तो उन्होंने कहा ऐसा मत करना, उनको मेरे गुरु के चरणों में लेके आना, वो जो कहते हैं वैसा करना। अपनी स्व माता को लेकर वे वहां गए। गोरक्षनाथ जी ने कहा कि तुम्हें नमस्कार करने के अधिकार भी तुम्हें नहीं है, फिर भी तुम्हें क्षमा करता हूँ, क्योंकि इसने कहा उसके चार भी हाथ काट, हाथ चार पैर काट जाने के बाद रखा था, उसने उसका नाम चौरंगी नाथ रखा गया। आप जानते हैं नाथ संप्रदाय में इस संप्रदाय है, और नाथ संप्रदाय में जो ध्वनि जलती है उस ध्वनि में इतनी श्रेष्ठता होती है कि उस ध्वनि को जलाने का एक विशिष्ट मंत्र है। उस विशिष्ट मंत्र के साथ आज भी हम गिरनार जाएंगे, समझो वहां भी गोरक्षनाथ की जली हुई ध्वनि वहां है, आज भी जलती है, लेकिन उसका भस्म बहुत कम लोगों को देते हैं। फिर भी पूछने पर उस ध्वनि कितने से कहता है, आप एक महीना में बिना खाए पड़े रहो, आप उस ध्वनि को भस्म को अगर आप लगा लेते हैं तो आप उस शक्ति को प्राप्त करते हैं। तो उस ध्वनि में उतनी शक्ति है, ऐसे सिद्ध लोग आज भी हमारे भारत में, आज भी वो सिद्धियां हमारे भारत में। आप कहीं नाथ संप्रदाय में सूफी पंथ से हमने देखते हैं कि एक ध्वनि शिरडी के साईं बाबा ने भी जलाई है, आज उस ध्वनि का भी भस्म लोग लेकर चलते हैं। वो भी उस सूफी संत या कबीरदास जी, इन सब नाथ संप्रदाय के लोगों से उन्होंने वो दीक्षा ली जो भगवान को केवल शिव को मानते थे, प्रकृति को नहीं मानते थे, माया को नहीं मानते थे। जैसे कबीरदास जी ने कहा माया महापापिनी फांदले बैठिया सब जग देपड़ा मैं गया कबीरा का, माया फांसियां लेकर बेचने के लिए बैठी हुई और सब जग उस फांसियों को खरीद कर रहा, लेकिन मैं मेरी गुरु कृपा के साथ कारण मैंने उस फांसी को नहीं खरीदा और मैं अपना सर काट लिया लेकिन फांसी नहीं डाल लिया, मैं माया को जीता हूँ। और ये माया को जीतने की क्रिया जो है वो सिद्ध लोग बताते हैं, और ये सिद्ध लोग जब ये बताते हैं तो आपका ही कल्याण नहीं हजारों लोगों का कल्याण करने की क्षमता आप रखते हैं। और वही सिद्धार्थ वही वहां के सिद्ध लोगों को सिद्ध पुरुष कहा गया है। हम आज उस गोरक्षनाथ की ध्वनि को कांचनजंगा के पास पूर्ण हिमालय में जहाँ पूरा हिम पड़ा है, ठंडी है, सब कुछ है, लेकिन कहते हैं कि आज वहाँ आग तो नहीं दिखती लेकिन भस्म आज वहाँ भी गर्म गर्म भस्म वहाँ रहता है और सूर्य को लेने के लिए साधु सुख जाते हैं। ये बात अलग है, मैं अभी आपको जैसे आगे समय बताया कि जिस जो जवान हूँ जो मेरे साथ चलते हुए हैं, मैं आज भी वही बात कर रहा हूँ, जो जवान है वो उस भस्म की ध्वनि लेके गया है, नहीं तो बाकी लोग कार में बैठ जाए और ध्वनि लाए तो भस्म लगा। आप में वो शक्ति आए, आप में वो श्रेष्ठता आए, आप सिद्धार्थ में मार्ग पर चले, आने वाली पीढ़ी आपको याद रखे। आपके जीवन में मैं इतनी बात कहता हूँ, अगर मैं परमपूज्य सद्गुरुदेव जी की स्थापना की चेतना के द्रव कर रहा हूँ और आज 20-25 साल से कार्य कर रहा हूँ तो आपको भी कभी नहीं छोड़ूंगा, असमर्थ नहीं।
साथ आएंगे नहीं आएंगे ये आपकी बात है, लेकिन ले जाने का प्रयत्न जरूर करूंगा और मेरा अंतिम समय तक भी यही कार्य रहेगा कि आपको प्रभु सद्गुरुदेव जी के दर्शन करवाऊंगा इस जन्म में ही और सिद्धार्थ की बात उनके सामने रखूंगा। प्रभु जिन्होंने आपका मंत्र जप किया है ये आपको मानते हैं, आप इनका उद्धार करें, आप इनको सिद्धार्थ दे जाए और उनका इनका उद्धार करें ये बात जरूर कहूंगा। ये मैं इस मार्ग को लेकर चल रहा हूँ जरूर कहूंगा। जो लोग अपने आप को उन सिद्धों के साथ मिलना चाहते हैं, उन सिद्धि को आज कह रहा हूं, आज कितना पर्वत कहा, कल कांचनजंगा कहा। विचित्र बात तो यह है कि मैंने जब कांचनजंगा के बारे में मेरे भाई दत्तू से पूछा तो बोला भैया मैं पहले जाके देख के आया, वो जाके देख के आया कांचनजंगा में, जहाँ कांचनजंगा के पर्वत के नीचे जहाँ पूरा बॉर्डर लगता है तिब्बत का, चाइना का, पाकिस्तान का, ऐसी जगह ये सिक्किम का जो स्थान है कांचनजंगा, वहाँ तो पूरा मल्टीपुर सदर हम जिस बागडोगरा नाम के एयरपोर्ट पर उतरते हैं या जलपाईगुड़ी नाम के रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं वहाँ से 6 घंटे कोई भी वाहन है वहाँ से कांचनजंगा, जहाँ कांचनजंगा के पर्वत के नीचे जाते हैं ये स्थान। तो कहा भैया तू भी क्या चिंता, बैठे बैठे जगह वो बहुत कठिन जगह है, वहाँ जा नहीं सकते, अरे कठिन जगह है तो क्या करेंगे, मेरे को तो मेरे गुरु की आज्ञा के अनुसार मुझे वहाँ जाना ही है, मुझे वहाँ मेरे गुरु का मिलन करना ही है, वहाँ के गुरु जी ने कहा था तो वहाँ आ जा मैं तुझे दर्शन दूंगा, ऐसा गुरु जी का वचन है मैंने तुझे दिया हुआ, मैं तो जाऊँगा ही जाऊँगा, गुरु जी ने मुझे वहीं मनाऊंगा। तो भैया ज़्यादा से ज़्यादा 25 से 50 लोग से ज़्यादा नहीं आएंगे, तो यह याद रखना मैं वहाँ रोज बात करके आता हूँ। तो वहाँ जब वो गया तो एक मारवाड़ी धर्मशाला है, उस धर्मशाला में जाकर बात करके आ गया कि ज़्यादा से ज़्यादा 50 लोग आएंगे, हम 19, 20, 21 वहाँ गुरु जन्मदिवस मनाएंगे और हम चले आएंगे। बाद लास्ट नवंबर में वो जाकर आया था, दिसंबर जनवरी का धीमा धीमा एक बात का प्रचार होते गया कि गुरु जी कांचनजंगा में इस बार गुरु जन्मदिवस मना रहे हैं। मुझे पता है परसों उस्मानाबाद में शिविर को गया मैं और उस्मानाबाद में जाकर मैंने कहा कि अभी ये तो गिरनार पर्वत की साधना है, गुरु जी हम गिरनार पर्वत में आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन कांचनजंगा के लिए उस्मानाबाद में 150 लोग ट्रेन का टिकट बुक करे हैं और 50 लोग एयर का टिकट करे हैं, 200 लोग तो हम उस्मानाबाद महाराष्ट्र से आए। मैं उड़ीसा वालों को पूछा तो बोला गुरु जी हम 50 लोग तो आ ही रहे, बाद में छत्तीसगढ़ वालों को पूछा तो गुरु जी हम 50 से 100 आ ही रहे। अरे मैं बोला अरे तू देखा तो 25 बोला यार, यहाँ 200, 300, 400 हो जा रहे हैं। बोले भैया तेरे को मालूम नहीं, व्हाट्सएप पे मेरे को रोज ऐसे 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 मैसेज आ रहे हैं कि हम गुरु दीक्षित नहीं है। मैं पहले क्या कहता निखिल जैन का हो या नहीं हो, कोई भी हो तो ला ले, कोई भी हो तो आ जाने दे, भी तेरे को क्या करना है। बाद में जो व्हाट्सएप पे आए तो बोले हम निखिल जैन का केंद्र से नहीं जुड़े हुए, हम दूसरे गुरु से जुड़े हुए, हम कांचनजंगा आ सकते हैं क्या। अब मुझे अभी क्या कहना पड़ रहा है, केवल निखिल चेतना केंद्र को जुड़े हुए वही लोग आ सकते हैं, बाकी लोग नहीं, क्योंकि रश बढ़ते जा रहा है। अब रश बढ़ते बढ़ते अभी के हिसाब से 500 हो गया है, अरे उतने जगह में अब उतने हैं, इसके पास हम कहा करेंगे। बोले गुरु जी हमारे पास पैसा भी हो, हमारे पास फ्लाइट का टिकट भी हो, सब हो, लेकिन हम अगर बाहर जाएंगे दर्शन मिले, लेकिन सबसे मजे की बात ये है आपके साथ जाएंगे तो जो मजा है वो हमारे आगे ले जा रहे हैं, पत्नी के साथ जाएंगे तो कोई मजा नहीं, हम तो चाहे कुछ भी हो आप ही के साथ आए। अब बात ये हुई कि अब 500 से करीब करीब लोग हैं, अब ट्रेन वाले फ्लाइट वाले परेशान है कि ये क्या हो रहा है, कांचनजंगा सिक्किम क्यों जा रहे हैं लोग, 19, 20 को क्यों जा रहे हैं वो लोग, ये इसके पीछे जा रहे हैं। तो उन्होंने बोला एक शिविर होने वाला है। बाद में हमारे किसी दोस्त के साथ मैंने किसी को परिचय व्यक्ति के साथ कहा कि भाई देख कितने लोग आ रहे हैं, हमारा क्या वहाँ इंतजाम होगा या नहीं होगा कुछ तो देख ले। तो उसने क्या कहा कि आप बेफिक्र हो, वहाँ का गवर्नर जो है वो भी तो मेरा दोस्त है, मैंने उसको कह दिया है मेरे गुरु जी आ रहे हैं उसका इंतजाम देख लेना, यानी मैं मेरे गुरु जी पर इतना विश्वास करता हूँ कि मेरे जाने से पहले वो इंतजाम करके रखते हैं। और वहाँ उन्होंने और वहाँ के कलेक्टर ने उन्होंने कहा तुम्हारे गुरु जी आने तो किस प्रकार की कमी नहीं होगी। अब मुझे प्रश्न बढ़ गया है कि यहाँ मैं 25-30 लोगों की बात कर रहा था, अभी तक तो 500 हो गए हैं, आगे क्या होने वाला है पता नहीं, और नेपाल के साथ है और वो लोग कहते हैं कि हम आपके साथ जुड़े नहीं हम आ सकते हैं क्या। मैं बोला कोई नहीं आ सकते, क्यों निखिल चेतना केंद्र के लोग, अरे ऐसा क्यों कहते, अरे यही लोग पड़ गए, अब उन लोग आ गए ये तो
मेरा क्या हाल होगा, वहां किस तरह का इंतजाम होगा। लेकिन वो सब लोग कहते हैं हमारे बच्चे पे हम आते हैं, आपको तकलीफ नहीं देंगे, हम आते हैं। अब क्या कहेंगे? मैं ये बात कहता हूँ कि अगर गुरु कृपा है तो जिस चीज की चिंता कर रहा था कि वहां कोई नहीं आएंगे, ऐसी जगह भी लोग आने के लिए तैयार है, ये मेरे प्रसन्नता की बात है। और ये मैंने कहता कि उनमें जो उदय हो रहा है वो मैंने गुरु जी उनके हृदय में बैठकर बात कर रहे हैं कि हम सिद्धार्थ करके उन योगियों को देखने के लिए और गुरु जी को देखने के लिए हम आए। आना नहीं चाहिए, आपका कर्तव्य है, आप सिद्धाश्रम को दर्शन के रूप में देखना चाहिए। मैंने अगर एक कदम आगे बढ़ाया है तो आप मेरे साथ अब एक कदम आगे डालो, हमारे दोनों को हाथ पकड़कर गुरु जी सिद्धाश्रम में ले जाएंगे, क्योंकि विश्वास है। आप सभी का कार्यक्रम हो, हम जिस चीज के लिए जन्म लिए हैं, जिस उद्देश्य से उन्होंने सिद्धार्थ परिवार की स्थापना की है, उस उद्देश्य को पूर्ण करेंगे ही करेंगे। इसलिए मैंने आज के दिन ये सिद्धार्थ प्राप्ति साधना, जो भी साधना को करेगा और इस यंत्र और माला को अपने पास रखकर, चाहे कंचनजंगा हो या चाहे गिरनार पर्वत पर आएगा, वो जरूर देखेगा कि उसको उन सिद्धों का दर्शन हो। और वो अपने जीवन में, मैं इतने विश्वास के साथ कहता हूँ कि आपके साथ जब तक जीवंत रहेंगे आपको कोई बीमारी नहीं आएगी, आपका शरीर काष्ठ और कायाकल्प वाला शरीर कहलाया जाएगा, लेकिन आना आपका कर्तव्य है, वहां तक पहुंचना आपका कर्तव्य है, आपके शरीर को कायाकल्प करना मेरी जिम्मेदारी है। मैं वहां पूछूंगा सिद्धों को कि मेरे लोग इतने आए, इनका शरीर के कायाकल्प करो। और जब शरीर का कायाकल्प होता है, हम पहाड़ को भी उठाएंगे या सोने को भी आपके हाथ में लाएंगे, या पैसा तो अपने हाथ के सामने नाचेगा। जब तक बीमार है तब तक साधना नहीं होगी। अभी मैं साधना करता हूँ, गुरु जी घूमने लगते रहे, कुछ में बैठ के साधना कर सकता हूँ क्या? वहां तक ठीक है, एक आदमी से गुरु जी बैठ के भी साधना नहीं, पीठ बोल करते रहे, सो के साधना कर सकते हैं, बड़ा अच्छा है। मेरे गोद में बैठ के साधना करना बहुत है, स्थिति यहाँ तक पहुंच गई, स्थिति यहाँ तक पहुंच गई। अब मैं इनको ऐसे लोगों को मैं कंचन जंगा कहा लेके जाऊं, हैदराबाद तक लेके नहीं जा सकता। इसलिए कहता हूं आपके शरीर का कायाकल्प, कोई कहता है मुझे शुगर है, कोई कहता है मुझे घुटने दर्द है, कोई कहता है मेरे हार्ट का ऑपरेशन हुआ, कोई मैं ज्यादा देर चले तो चक्कर आ गई, अरे ये सब आते हैं, उस ऐसे भी जाने के लिए तुम्हें माने जा रहा, तुम प्रयत्न तो करो, तुम्हारे शरीर का कायाकल्प होगा या नहीं होगा आप देखना, केवल उंगली पकड़ कर चलो। और मेरे हाथ को अगर गुरु ने थामा है तो मैंने आपको उंगली थामाया, तो हमारे दोनों का हाथ उंगली पकड़ कर आगे ले जाएंगे और हम सिद्ध करेंगे। तब आंखों में आंसू आए, घूम के बड़ा साहेब बहुत यानी बहुत गरीबी से आया, अपनी बर्तन बेचता, लेकिन 450 किलोमीटर हर बार 400 से 500 लोगों को लेकर गुरु पूर्णिमा को आता है। वो पहला ऐसा व्यक्ति तो है, जब मैंने कंचनजंगा को के बारे में अनाउंस कर दिया तो उसने कहा कि गुरु जी कंचनजंगा तो मैं आ रहा हूँ, चाहे मेरे को घर को बेचना पड़े, मैं मेरे पत्नी और बेटे के साथ आ रहा हूँ। मैंने बताया उसके पास पैसे नहीं, लेकिन जब कल उस्मानाबाद गया था तो उसने कहा गुरु जी मेरे साथ 30 लोग कंचनजंगा आ रहे हैं। उसने कितना मोटिवेट किया होगा और उसको कितनी निष्ठा होगी। वह आदमी जिसके पास केवल बर्तन बेच के जीता है, उसने भूमि में अपना घर बना लिया, साधकों के लिए घर बनाया, हर साधक को घर बनाने से वह हेल्प करता है, और उसके साथ हर गुरु पूर्णिमा को कम से कम 400 लोग चलते हुए 450 किलोमीटर चले, तो गुरु निष्ठा है। मैं आज उसकी पीछे से तारीफ कर रहा हूँ इसकी बात। जब उसने कहा कि उसके पास रुपया नहीं है, वो दिन तक दिन को बर्तन बेच के जीता है, वो कहता है मैं 30 लोगों को लेकर कंचनजंगा आ रहा हूँ, आपके साथ आता हूँ तो फिर हमें लेके जाने वाला, या हम कभी भी जाएंगे नहीं, जाएंगे तो आपके साथ जाएंगे, देखेंगे तो आपके साथ देखेंगे, और कुछ भी मिला तो आपके साथ मिल सकता है, हमारे साथ पैसा को तो नहीं आया। तो ऐसे निष्ठावान साधक भी है जो कभी पैसों की चिंता नहीं करते, और मेरे पास पैसे वाले भी जिनके पास चार चार गाड़ियां, वो फ्लाइट से क्या और कहीं से भी आ सकते हैं। उनका कहना क्या है, कुछ वहाँ ठंडी बहुत होती है ना, हाँ बहुत ठंडी हिमालय है, ठंडी तो होगी होगी, नहीं कुछ मेरे को ठंडी बर्दाश्त नहीं होती, फिर मैं क्या करूँ, नहीं फिर इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि गुरु आप यहाँ आने के बाद वहाँ से धुनी का बस मैंने क्या मैं लगा लूँगा पैसा, ये पैसे वालों का कहना, आप ऐसा करो ना कुछ गुरु जी जरा शुगर है मेरे को चल नहीं सकता, मैं फ्लाइट से आ सकता हूँ गुरु, लेकिन वहाँ से 6 घंटे बस में जाना पड़ता है, मेरे को हर 1 घंटे को भूख लगती है, अब मैं गाड़ी में चलते भूख कैसा, मैं बोला तेरे भूख
अब उसके लिए इंतजाम तो मैंने कर सकता। इस प्रकार अपने कारण बताओ नोटिस जारी करते हैं वगैरह को कि उनके उनके कारण बताते हैं कि हम नहीं आ सकते आ सकते। तो जहाँ निष्ठा है वैसे देखा जाए तो मैं भी एक गरीबी से ही आगे आया हूँ, एक गरीबी से आगे चल रहा हूँ, लेकिन जिस निष्ठा के साथ गुरु का कार्य करते हुए चल रहा हूँ उस निष्ठा के साथ आप मेरे से जुड़े हुए हैं, आपको लेकर चलना मेरा कर्तव्य है और आपको लेकर चलेंगे। एक जोड़ी आई मेरे पास उत्तर प्रदेश से, कल वो लंदन में रहता है आए, उनके पत्नी और बच्चे आए, बोले गुरु जी लंदन में एक 10 साधक है जो पहले गुरु से जुड़े हुए हैं और अपने कांचनजंगा का ट्रिप निकाला है, हमने सुना है, गुरु जी हम भी आना चाहते हैं। मैंने आपने दीक्षा ली, दीक्षा ली है गुरु जी, लेकिन गुरुमंत्र नहीं कहते। फिर बोला गुरु जब मंत्र नहीं कहते दीक्षा नहीं लिए तो कई बात है गुरु जी वहाँ अच्छा पिकनिक का स्पॉट कैसे लाए हमने उसकी आपने। धन्य है मेरा जीवन तुम्हारे जैसे को भी लेकर मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ। बोला पिकनिक स्पॉट के लिए मैंने जा रहा हूँ, वहाँ साधना के लिए जा रहा हूँ। आप नहीं गुरु जी आप साधना करते रहो हम भूख क्या आते हैं, मेरे साथ क्या है बाल का भूख क्या आ सकते हैं मेरे साथ क्यों नहीं। मुझे डर लगता है वहाँ के लिए जाने से लोग कुछ खत्म करके इसलिए आपके साथ आना नहीं, मेरे साथ आना चाहते हैं साधना करने के लिए आओ। अरे मैं उदाहरण ये दे रहा हूँ, ऐसे भी लोग मेरे सामने आना चाहते हैं लेकिन पिकनिक के लिए। अब मैं साधना के लिए साधना शिविर बना रहा हूँ या पिकनिक बना रहा हूँ आप समझें। इसलिए मैंने निर्णय किया कि निखिल चेतना केंद्र का जुड़ा हुआ निखिल चेतना केंद्र की चादर पहना हुआ मेरे साथ वहाँ आएगा और उसको मैं पूर्ण रूप से मेरे साथ ले जाऊँगा, उसकी पूर्ण जिम्मेदारी मेरी। बाकी के पिकनिक वालों के लिए और दूसरे वालों के लिए जिम्मेदारी होती मेरा उसके साथ लेना, खाना खिलाऊंगा आए तो वो बात अलग, लेकिन जो गुरु मंत्र करता है जो गुरु दीक्षा लेता है उसको वो साधनाएं संपन्न करवाऊंगा और उस गोरक्षनाथ की धुनी को हम जरूर चलते जाएंगे एक दिन के लिए, क्योंकि वहाँ 19-20 तीन दिन वहाँ रहने वाले हैं। अगर आपको उसके बारे में और डिटेल्स चाहिए तो दत्त भैया को भी 15 मिनट के लिए बताने की बात करता हूँ। कौन सी ट्रेन जलपाईगुड़ी या बागडोगरा, बागडोगरा का एयरपोर्ट है और जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन है, वहाँ से व्हीकल्स भी दत्त भैया ने कहा कि अरेंज कर दिए हैं, 9:30 सुबह वहाँ पहुँच जाएंगे और वहाँ से 6 घंटे का रन है जो हम स्पॉट में एकदम कंचनजंगा पर्वत के नीचे ही वहाँ जाते हैं जहाँ गौरी कुंड है, जहाँ आनंद शिला कंचन शिला नाम के जहाँ दूसरे बैठकर साधना की थी और उर्वशी को सिद्ध किया था उसे आनंद शिला कहा जाता है, वो शिला भी वहीं और गोरक्षनाथ की धुनी भी वहाँ है जहाँ गोरक्षनाथ में उस ठंडे हिमालय के अंदर ध्वनि को जागृत किया था और वो आज भी चलती हुई ध्वनि वहाँ है। ऐसे स्थान जहाँ कल्पवृक्ष में महा बाबा अवतार योग अवतार भी वहाँ आकर अपनी मीटिंग करते हैं, ऐसे स्थान है। ऐसे स्थानों को जाने के लिए कभी कभी आते हैं जिसका भाग्य हो आएगा नहीं भाग, मेरे को आपको जबरदस्ती आने की बात नहीं, आपके मन से आपको दिल लगता है तो आएंगे, लेकिन जो आना चाहते हैं वो लोग जरूर आज ये सिद्धाश्रम प्राप्ति साधना को संपन्न करें, उस यंत्र को अपने पास उस मार्ग को अपने पास रख लें। यह सिद्धाश्रम की साधना एक न एक दिन आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपको सिद्धाश्रम पहुंचने और सिद्धों को देखने का सिद्धों की कृपा प्राप्त करने का अवसर जरूर देगी इस साधना जो आज संपन्न करेंगे। मैं आशीर्वाद देता हूं कि आप इस साधना संपन्न करके यंत्र आपके पास रख लेंगे और सिद्धों की कृपा प्राप्त कर निरोगी काया को कायाकल्प करते हुए आप जियेंगे, ना आपको घुटने का दर्द होगा ना सर का दर्द होगा ना और किसी प्रकार की कोई कमजोरी होगी आपके शरीर में। ऐसी ही साधना ये सिद्धाश्रम प्राप्ति साधना आपको अभी मेरे सामने ही संपन्न करवा रहा हूँ और इसकी 101 आहुतियाँ भी है, उसकी आहुति यहाँ से दिलवाऊंगा और उसके बाद गुरु आरती संपन्न करवाऊंगा। यह साधना उनके लिए जो गुरु जी के लक्ष्य को पहुँचना चाहते हैं उन लोगों के लिए साधना करवाना चाहता हूँ। एक बार जय घोष करेंगे, बोलो परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय, रुक्मिणी माता जी की जय, गुरुपुत्र गुरुदेव की जय, सिद्धाश्रम की जय, सिद्धाश्रम सारे परिवार की जय। हर हर महादेव। 20 मिनट का समय देता हूँ आप सिद्धाश्रम प्राप्ति साधना लेकर यहाँ आ जाओ तब तक फिर सुनाएंगे और उसके बाद साधना संपन्न यही साधना संपन्न करवाऊंगा और उसकी आहुति भी दिलवा दूंगा आप सभी को और साधना संपन्न